कि आप भी रोज के खाने से बोर हो गई हैं, तो चलिए आज कुछ यूनिक बनाया जाए। चलिए हम कुछ यूनिक बनाते हैं, कुछ चटपटा। ओह हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पन्ना किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें सरसों तेल डालेंगे और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। उसके बाद से आधा चम्मच जीरा और इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दो लवंग और दालचीनी डाल देंगे। उसके बाद से दो सूखे मिर्चे डालेंगे और ये कड़ी पत्ता। उसके बाद से कटे हुए हरे मिर्च को डालेंगे और दो बड़े साइज के प्याज को काट के इसमें डाल करके इसको सुनहरा होने तक भुनेंगे। और ये सोयाबीन है, इसको हमने उबाल लिया है। उबाल करके दो तीन पानी से धो करके इसमें का पानी निचोड़ लिए हैं। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े करके रख देंगे और फिर देखते हैं प्याज कितना कैसा भुनाया है। तो ये प्याज थोड़ा सा भुन गया है, तो इसमें बड़े साइज के टमाटर को भी काट कर इसमें डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। उप्स, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है? जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसको भूनने के बाद से इसमें थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसको भून लेंगे। उसके बाद से ये जो सोयाबीन हमने टुकड़े में किए हैं इसको डाल करके इसको भी इसी में डाल के भूनेंगे। उसके बाद से इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा अधिक नमक डालेंगे। और ये जो डाले हैं वो मैगी मसाला हमने डाला है एक चम्मच, उसमें एक चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले ये जले ना। और जब ये मसाले भून जाए तब इसमें डालेंगे पके हुए चावल। तो हमने ये चावल पका लिया है, ये 200 से 250 ग्राम चावल है, इसको हमने पका लिया है और इसमें डाल करके और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो है ना चटपटा और यूनिक? तो देखिए कितना अच्छा और अमेजिंग इसका स्वाद आएगा कि क्या कहना। जब आप इसे बनाएंगी तब इसके स्वाद को बताएंगी या समझेंगी। तो ऐसे इसको मिला करके ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी तैयार हो गया है, तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। उप्स, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है? जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो है ना यूनिक? तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब भी अगर मन करे कुछ चटपटा खाने को तो ज़रूर कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए। तो हमने ये बना लिया है और इस पर प्याज और टमाटर से सजा देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको हम खा के देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो बहुत टेस्टी बना है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, अब तक के पन्ना किचन को आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। काफी अच्छे अच्छे वीडियो है। अरे भाई।